दूसरा, कभी भी वेन यू पीपल आर राइटिंग द आंसर डोंट राइट 1 2 3, गेटिंग नॉट? मैंने आपको नहीं बताया, इकोनॉमिक्स के पेपर में नंबर्स लिखने का ही नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो प्रोफेसर होते हैं ना वो बहुत कंजूस होते हैं, मार्क्स नहीं देते, गेटिंग नॉट? ऑलवेज यू शुड स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं लिखने का, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने का, कंक्लूजन पे खत्म करने का. देखो अपना इंडियन इकोनॉमी ऐसा है, पैकिंग अच्छा है ना, अंदर कचरा बेचो चलेगा, बाहर से अच्छा दिखना चाहिए, बराबर है ना? गेटिंग नॉट? पैकेजिंग शुड बी वेरी गुड. तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पैकिंग का काम करता है. सर ये तो हमको ही पता है, एसवाईजीसी में बताया था, बराबर ना? और अंदर पॉइंट्स लिखने का. बट आप लोग क्या करते हैं ना, मैं यू ऑलवेज राइट 1 2 3 4 5 6. अब देखो 8 मार्क का आंसर है तो कम से कम 8 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. अब है ना ऐसे एग्जामिनर, मैं देखते ही समझ जाता हूं इसने 6 पॉइंट लिखे, मैं देखते ही समझ जाता हूं उसने 6 पॉइंट लिखे. तो 8 में से अगर 8 भी लिखते हैं तो 6 मार्क्स से ज्यादा मिलते नहीं है. आई गोइंग टू गिव यू 5 मार्क्स, बराबर है? गेटिंग ए नॉट? गेटिंग? तो है ना नंबर लिखने का ही क्यों, एबीसीडी लिखो ना, किसको पता 6 पे एफ आता है? है ना, समझना है कि नहीं? एबीसीडी लिखने का. हैव यू अंडरस्टूड? समझा ना? डोंट राइट नंबर्स. लिखना तो अपने को वही है जो आप लोगों ने लिखना है, एबीसीडी लिखने का. अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर वो गिन लेगा तो वैसे ही 5 मिलने वाले थे, बाद में 5 ही मिलेंगे. बट नहीं गिना तो शायद 6 मिल जाए. वी आर इन विन विन सिचुएशन.